लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे मुझे आपसे बात करनी है अभी। हाँ अभी। और अब आप मुझसे मत कहिएगा कि ये सही समय नहीं है बात करने का, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सही समय कभी आएगा ही नहीं। आपके परिवार वालों के कारण मुझे वो बनना पड़ रहा है जो मैं हुई नहीं। आप क्या कह रही हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपने मुझसे वादा किया था कि हम विदेश जाकर अलग हो जाएंगे। आज के बाद आप और मैं एक पति पत्नी की तरह रहेंगे। ना कोई झूठ होगा, ना कोई नाटक होगा, और ना ही कोई दिखावा होगा। मैं जानती थी कि आप अपनी ही कही हुई बातें भूल जाएंगे, इसीलिए तो मैंने आपसे एक वादा लिया था। पर आप तो अपने वादे से भी मुकर गए। लेकिन वो तब की बात थी जब हम अमेरिका जाने वाले थे। अब तो मैं आपके साथ हूं, जो कुछ भी है आपका ही है। क्या आपको सब कुछ नहीं मिल रहा? आजादी मिल रही है जी। अमेरिका जाने का जो सपना आपने मुझे दिखाया था उस सपने में आजादी थी, एक आस थी कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सकूंगी। पर यहां रहने में क्या है? सिर्फ बंधन और कुछ भी नहीं। देखिए, आप जिस आजादी की बात कर रही हैं वो शायद आपको ना मिल पाए। पुरोहित खानदान की बहू होने के नाते आपको यहां के नियम और यहां की परंपराओं का पालन करना होगा। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आज तक जो पति पत्नी का नाटक हम करते हुए आए थे वो घर वालों की खुशियों के लिए था। अगर ये नाटक हम हकीकत में बदल दें और एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो इसमें घर वालों को भी खुशी मिलेगी और हमें भी। हमें नहीं, सिर्फ आपको। मेरे खुश या नाखुश होने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घर का सुख, पति का प्यार और आपकी इस शादी से जो कुछ भी आशाएं होंगी मैं वो सारी पूरी करूंगा। क्या इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके कारण मैंने अपने आप को एक नई जिंदगी में ढालने के लिए तैयार कर लिया था। क्योंकि मुझे क्या पता था कि आपके डिसीजंस हर पल बदलते रहेंगे और मुझे वो डिसीजन मानने पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन अब मैं अपनी हर गलती को सुधारना चाहता हूं। वैसे भी आप विदेश नहीं जाना चाहती थी और भगवान ने आपकी सुन ली। अब हम दोनों को यहां रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। बहुत समय से हमारे साथ बहुत कुछ गलत ही होता आ रहा है, पर विश्वास करिए आज के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। कागज के चाहत के का
के निकले सारे, उड़ गए सब जाने कहाँ रे, पल चाहत के ऐसे बदलो ये मंजर, कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के, एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने, अब तू ही आके। क्यों किया मैंने तुमसे प्यार, तुम्हारे प्यार ने मुझे सिर्फ दर्द दिया और कुछ नहीं। क्या ये सच है? क्या मुझे वो इन सब चीजों का जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या सच में वो मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहते हैं? क्या वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं? मैं उसे नहीं भूल सकता। सच तो यह है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं खुद को उसकी यादों से कभी अलग कर ही नहीं सकता। वो मुझे भूल जाना चाहते हैं, उनका ये सोचना भी तो ठीक है, तो फिर क्यों रो रही हूं मैं? अगर इसी में सबकी भलाई है तो उनकी खातिर, उनके भविष्य की खातिर मुझे ये सच स्वीकार करना ही होगा। इस बार अपने इरादे पर मैं अटल रहूंगा भगवान, मुझे अपनी शादी को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। मुझे शक्ति दो भगवान, ताकि मैं सही और गलत में फर्क कर सकूं, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। मैं प्रार्थना करती हूं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करके अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसके लिए अगर उन्हें मुझे भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा तो शायद यही ठीक है। उन्हें तो अपनी जिंदगी विशाखा के साथ बितानी है, मेरे साथ नहीं। दादी, माँ, दादी, दादी कहाँ? अरे आ रहे बिटिया, क्या हुआ? दादी क्या हुआ बिटिया, बड़ी नाराज लग रही हो। बिटिया कहाँ गए हो? दादी मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गई वापस। मैं उस घर में नहीं रह सकती। ये क्या कह रही है, होश में तो है? होश में हूँ इसीलिए कह रही हूँ कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। विशाखा तुम्हारी इन बेवकूफी भरी बातों से कुछ नहीं होने वाला, कान खोल कर सुन लो तुम। अगर तू चुप कर बहुरिया, तू चुप रह। बिटिया वो अभी गुस्से में है, आ आ बैठ बैठ बिटिया, शांति से बैठ। राधिका कुछ लेके आना है के पीएन के वास्ते, शादी के बाद घर काम जिम्मेवारी तो आते ही हैं। शादी से पहले लड़की तिरछी बेल होती है, लेकिन शादी के बाद सीधी नली में रहना पड़ता है, इसीलिए शुरू में कुछ परेशानी लगत है। पर दादी कुछ दिन के लिए ही सही, मैं ये परेशानी क्यों सहूं? और हर वक्त सर पर पल्ला डालकर मैं नहीं रह सकती सबके पैर छूते हुए, इसलिए मैंने अपना फैसला खुद ले लिया है। मैं इस घर में वापस आ गई हूं और यहीं रहूंगी जैसे पहले रहा करती थी। मैं इस घर में वापस आ गई हूं और यहीं रहूंगी जैसे पहले रहा करती थी। तुम यहां नहीं रह सकती। बाबूजी मैं वो कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये मत भूलो कि विवाह के पश्चात लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है।
मायके में वो केवल अतिथि होती है। तुम हमारी बेटी पूर्व में थी, अब पुरोहित परिवार की छोटी बहू, और छोटी बहू होने के नाते तुम्हें अपने दायित्वों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तुम्हें इसी क्षण इसी समय अपनी ससुराल वापस जाना ही होगा। सब लोग मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। कहां तो मैंने सोचा था कि कम से कम मेरे परिवार वाले तो मेरा साथ देंगे, पर नहीं, वो भी देव के परिवार वालों की तरह निकले, वृंदावन के दखियानूसी। हे भगवान, मुझे कहीं और पैदा कर दिया होता, कम से कम वहां तो मेरी कद्र होती, यहां तो मुझे सुनने वाला ही नहीं कोई है। क्या है, तुम कहां कहां से आ जाती विशाखा? लगता है बाबूजी के लेक्चर्स में कुछ कमी रह गई थी जो तुम मुझे समझाने आई हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है विशाखा। देख, मैं समझती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, पर अपने आसपास की स्थिति को तो समझने की कोशिश कर। तेरी ससुराल में इतनी बड़ी घटना घटी है और ऐसे माहौल में वो घर छोड़ने की बात करेगी तो ये कहाँ की समझदारी हुई? देख विशाखा, तुझे अभी अपने ससुराल वालों के साथ होना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, शायद यही अच्छा होगा। बस देखो, तुम्हारी समझदारी इसी में है राधिका, कि तुम अपनी सलाह संभाल कर रखो। मैंने आज तक अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है और आगे भी अपनी ही तरीके से जीऊंगी। चलो ड्राइवर। कल सायंकाल 7 बजे का समय बहुत ही शुभ है। देव बाबू राजपुरोहित और छोटी बहू पत्नी के रूप में पूजा करेंगे, ताकि उसके बाद देव बाबू राजपुरोहित का अधिकार संभाल सकें और छोटी बहू मालकिन का। प्रणाम पंडित जी। अखंड सौभाग्य। छोटी बहू कहीं बाहर गई थी क्या? जी वो इधर बैठ। पंडित जी कल की पूजा की विधि समझा रहे हैं। आगे की विधि यह है छोटी बहू, कि तुम्हें पुरोहिताइन की तरह सजना होगा। नई दुल्हन की तरह घूंघट में रहकर तुम्हें हवन करना होगा और अनुष्ठान पूरा होने पर मंदिर में जाकर दीप जलाना होगा। फिर शयन पूजा करके। शयन पूजा? वो क्या होती है? बेटा, ये तुम दोनों के जीवन की नई शुरुआत है, इसीलिए हवन के बाद तुम दोनों की सुहाग रात होगी। और अगले दिन सुबह उठकर तुम मंदिर में अपनी पहली पूजा करोगी। और हाँ, कल सुबह से लेकर पूजा संपूर्ण होने तक तुम्हें निर्जला व्रत रखना होगा। बिना पानी पूजा के बाद पी सकती हूँ। प्रणाम पंडित जी। जी तेरा। पंडित जी कल के अनुष्ठान की विधि समझा रहे हैं। बेटा, शास्त्री जी को फोन करके कल की पूजा का निमंत्रण दे देना। जी माँ। दादी माँ, मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ। शास्त्री जी हैं क्या?
कौन है भैया, अंदर आओ। शास्त्री जी आपका फोन है मैनेजर के पास। अच्छा बैठना लल्ला, यहाँ कौन फोन करेगा? अरे वो छोरा गलती से आ गया होगा, ये राधिका को बोल देखावेगी। अरे जा छोरी देख। जा बेटा देख के आ जा। अरे जाना। जी हमारा फोन। हेलो हेलो कैसे हैं आप? शास्त्री जी से बात करनी थी। जी बुलाती हूँ। बाबूजी आप ही के लिए फोन है। किसका फोन है बेटा? विशाखा के पति का। अरे दामाद बाबू का फोन है। देखा? देख लिया बहुरिया? देखने में ये सब संजोग लगे है। तनु को पता है, पता है मोको ये सब इका कराया तोट का है। ये यहाँ रहेगी तो हम सब पर आफत ही आवेगी। अब इके तिरिया चरित्र से तो भगवान ही बचावे। राधे राधे। राधे राधे। क्या कह रहे थे दामाद बाबू? कल की पूजा के लिए हमें आमंत्रित कर रहे थे। कह रहे थे हम सबको अवश्य आना है। कल प्रथम बार देव बाबू और विशाखा पुरोहित और पुरोहितान की तरह पूजा में बैठेंगे। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। विशाखा के व्यवहार ने मुझे विचलित किया हुआ है देवकी जी। कल इतनी विशाल पूजा है, देव बाबू और विशाखा प्रथम बार पुरोहित और पुरोहितायन बनकर पूजा में बैठेंगे। विशाखा को इतना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, यदि उसने आज जैसी मूर्खता कल भी की तो। अरे लल्ला वो काम के बोझ से बौखलाई गई थी, तूने समझाई दियो तो समझ गई, बात खत्म। ठाकुर जी सब भली करेंगे। बस अब ठाकुर जी भली कर सकते हैं अम्मा। इतना अच्छा परिवार ससुराल के रूप में पाकर भी हमारी बेटी प्रसन्न नहीं है। इससे अधिक चिंता का विषय तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा हुआ आ गई। चलो अब बताओ ठाकुर जी के वस्त्र किस रंग के होंगे। जी अब तुम्हें ही तय करना है कि ठाकुर जी के वस्त्र का रंग तिथि के हिसाब से हो या वार के। चलो बता। वो ये पीला वाला अच्छा है। ये वाला? हाँ। बहुत ही शुभ रंग है। जी जी माँ जी। नहीं मैं छोटी बहू से पूछने आ रही थी। जी दादी माँ। मैं जानती हूँ ये सब कुछ नया है तुम्हारे लिए, लेकिन सीख जाओगी। अब कल जो दान देना है ना उसकी सूची तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक लिस्ट बनाई है, लेकिन कितना होगा क्या होगा ये सब तुम्हें ही तय करना है। ठीक है देख लो जरा। अरे हाँ सुनो
भौजी वो हम कह रहे थे, नहीं नहीं महाराज जी कह रहे थे कि क्या क्या खाना बनाना है, कितने लोगों का बनाना है और कितने समय तक आपको तैयार चाहिए, ये सब आप बता दीजिए। काहे कि ये सब निर्णय तो अब आप ही को लेने हैं। निराश मत करना, मैं रोज तुम्हारे सामने दिया जलाती हूं, लेकिन आज का दिया कुछ विशेष है, क्योंकि आज मैंने ये दिया उनकी और विशाखा की खुशी के नाम पर जलाया है। बस इसी आशा से कि आज के बाद वो दोनों साथ साथ रहें और हर सुख दुख साथ में बांटें। आज उनको विशाखा की बहुत जरूरत है काना। विशाखा का मन कुछ इस तरह से फेर दो ताकि वो समझ सके कि इस समय उसके परिवार वालों को उसकी कितनी जरूरत है। विशाखा को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ काना, इतनी सी विनती। भौजी बताइए ना भौजी। नहीं पता मुझे। पूछो मुझसे सब, मैं इस घर की रसोईया नहीं हूं। जो मुझसे पूछे बगैर इस घर में खाना नहीं बनेगा, जिसकी जो मर्जी हो बना लो, हर बात के लिए सब लोग मेरी जान खा रहे हैं। कभी भगवान के कपड़ों का रंग, कभी चंदे की लिस्ट, ये सब मेरा स्वतंत्र नहीं है। मुझे ये सब फालतू की जिम्मेदारियां खानी ही नहीं है। तंग आ गई हूं मैं इस घर की छोटी बहू खेलाकर। मुझे अब इस घर की छोटी बहू रहना ही नहीं है।